हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ऑनलाइन टेस्ट सर्विस यूट्यूब चैनल में। देश विदेश घूमने का आ चुका है मौका। अब हमारी ऑफिशियल वेबसाइट में नोटिफिकेशन आ चुकी है। एयरपोर्ट में सीधी भर्ती, सैलरी 25,000, 12वीं पास, ईमेल फीमेल दोनों भर सकते नोटिफिकेशन का हैं। अप्रूव दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। कस्टमर सर्विसेज एजेंट की पोस्ट है, 12वीं पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप ग्रेजुएट पास भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एज लिमिट भी है, 18 से 30 साल है, और 590 टोटल वैकेंसी जारी की गई है। 15,000 से लेकर 25,000 रुपए तक आपको पर मंथ सैलरी मिल रही है। 30 सितंबर 2020 इसकी लास्ट डेट है। आगे बढ़ते हैं, आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं। तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के लिए गूगल में सर्च करें www.tipsworldbus.xyz। जैसे आप गूगल में सर्च करेंगे, आप सीधा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि एयरपोर्ट में जो वैकेंसी निकाली जा रही है, कौन से डिपार्टमेंट से ये वैकेंसी निकाली जा रही है। तो दोस्तों आपको बता दें, आईजीआई एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी निकाली जा रही है दिल्ली से। जी हाँ, पोस्ट क्या नाम, पोस्ट की बात करते हैं तो पोस्ट का नाम है कस्टमर सर्विसेज एजेंट की पोस्ट है, और टोटल वैकेंसी 590 है। आवेदन केवल ऑनलाइन ही मांगे जा रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया की जॉब लोकेशन है, और ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में दोस्तों यहाँ पर आपकी रिटर्न एग्जाम होगी, उसके बाद आपकी इंटरव्यू भी होगी। और यहाँ पर सैलरी मैंने आपको बताया, 15,000 से लेकर 25,000 रुपए तक आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी। एज लिमिट यहाँ पर 18 से 25 साल है। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन को भी चेकआउट कर सकते हैं। और अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो दोस्तों यहां पर सभी कैंडिडेट्स के लिए ₹350 एप्लीकेशन फीस है, चाहे वो जनरल का हो, ओबीसी का हो, या फिर एससी एसटी का हो, आपको ₹350 का पेमेंट करना होगा ऑनलाइन या किसी भी माध्यम से। और यहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन केवल 12वीं पास है। अगर आप 10+2 है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, फुल इंफॉर्मेशन यहां पर है। यहां पर आप देख सकते हैं 29 जनवरी से आवेदन चल रहे हैं। जी हां दोस्तों, इसकी लास्ट डेट जो है एक्सटेंड हो चुकी है, बढ़ा दी गई है, 30 सितंबर 2020 है। तो यहां पर आप देख सकते हैं लास्ट डेट जो बढ़ा दी गई है, उसका नोटिफिकेशन भी यहां पर दिया गया है, और आवेदन करने का ऑनलाइन लिंक भी यहां पर आपको मिल जाएगा। चलिए आपको बताते हैं लास्ट डेट जो एक्सटेंड की गई है, उस नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है। तो यहां पर आप क्लिक करके सीधा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ जाएंगे, और यहां पर आप देख सकते हैं 30 सितंबर 2020 इसकी डेट एक्सटेंडेड हो चुकी है, जो कि आप देख सकते हैं यहां पर साफ साफ है कि लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो 30 सितंबर तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह रहा IGIAviationDelhi.com का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक। यहां पर आप क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन कर दीजिएगा। और यहां पर आपकी जो एग्जाम के एडमिट कार्ड है वो अक्टूबर में जारी किए जाएंगे, और यहां पर आपकी जो एग्जाम होगी अक्टूबर और नवंबर के बीच में टेंटेटिव है, और आपका जो रिजल्ट है एग्जाम होने के 15 दिन के बाद में आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। पोस्ट मैंने आपको बता ही दी है, क्वालिफिकेशन बता दी है, सैलरी बता दी है, एज लिमिट बता दी है, टोटल वैकेंसी बता दी गई है। तो यहां पर आप देख सकते हैं आपका सिलेबस भी दे रखा है, एग्जाम किस प्रकार होगा, और एग्जाम का जो सेंटर है कहां पर है, दिल्ली, जयपुर, गुवाहाटी, भोपाल, मतलब ऑल ओवर इंडिया का जॉब लोकेशन है। यहां पर आप देख सकते हैं हैदराबाद, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, पटना, देहरादून, कोलकाता, कोची, बैंगलोर, चेन्नई, सब जगह यहां पर आपका जो एग्जाम का सेंटर है वो दे रखा है। और दोस्तों यहां पर आपका जो रिटर्न एग्जाम होगा उसकी डिटेल्स भी यहां पर दे रखी है, जैसा कि आपका यहां पर सिलेबस है। जैसा कि सिलेबस में यहां पर बताया गया है, जनरल अवेयरनेस के आपके सवाल आएंगे 25 नंबर के, और एविएशन नॉलेज में आपके 25 मार्क्स के सवाल आएंगे, और वहीं इंग्लिश नॉलेज में आपके 25 मार्क्स के सवाल आएंगे, और वहीं एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग में आपके 25 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे। और यहां पर आप देख सकते हैं 100 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपर्पज क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और यहां पर एक सवाल का एक आपको मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हैं 12वीं स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही आपको यहां पर सवाल पूछे जाएंगे, और आपका जो एग्जाम होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपसे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर नो नेगेटिव मार्किंग, आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, यानी कि आपने अगर गलत जवाब भी दिया तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, तो ये भी आपके लिए बेनिफिट है, प्लस पॉइंट रहेगा। और आपको अप्लाई कैसे करना है वो भी जानकारी यहां पर है। 30 सितंबर तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, यहां पर रात के 12 बजे तक, मिडनाइट तक, ठीक है। और यहां पर अप्लाई किस प्रकार करना है वो भी इंफॉर्मेशन है, किस प्रकार आपको पेमेंट करना है, कहां पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कैसे आपको इंफॉर्मेशन फिल करनी है, वो सारी जानकारी यहां पर दी गई है। आपका ईमेल आईडी और फोन नंबर जो है आपको वही डालना
निकालने हैं जो आप डेली बेसिस पे ऑपरेट करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि आपका सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, मतलब इंटरव्यू भी लिया जाएगा आपका, ठीक है। जनरल कंडीशन में आप चेकआउट कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको क्या क्या बेनिफिट दिया जाएगा, किस प्रकार आपकी जॉब की प्रोफाइल रहेगी, सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो अधिक जानकारी के लिए आप इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट कीजिएगा, जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। वीडियो को लाइक, शेयर और